मुंडा पांडे में पीएम आवास योजना के तहत गरीब ग्रामीणों को उनके मकान की चाबी वितरण की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्लॉक मुंडा पांडे के 100 लाभार्थियों को आवासों की चाबी ऑनलाइन प्रोग्राम के तहत ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव और ब्लॉक प्रमुख मुंडा पांडे विकास खंड अधिकारी श्रद्धा गुप्ता द्वारा वितरित की गई। लाभार्थियों ने अपने घरों की चाबी को अपने हाथों में लेकर कहा कि ये जो घर मिला है वह बहुत बड़े संबल का काम करेगा। घर अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव ने कहा कि आप सभी को बहुत जल्द सपनों का घर मिल गया है। सॉरी, क्या क्या चीज मिली है ब्लॉक में, कहां पर आए हो आज? कहां रहने वाले हो आप? ये चाबी मिली किस चीज की चाबी है? आवास मिला है आपको? कौन सी योजना से मिला है? प्रमुख साहब ने दिया है। सर कितने लोग लगभग? परिसर में जो कार्यक्रम हुआ था वो क्या हुआ था कार्यक्रम? आज ब्लॉक परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसके अंतर्गत हमने गृह प्रवेश और चाबी वितरण का कार्यक्रम किया गया। तो ये लखनऊ से आयोजित हुआ था ऑनलाइन। इसकी यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग होती रही। इसके थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया आवास के लाभार्थियों को। साथ ही यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से एक चाबी का वितरण लाभार्थियों को किया गया। हमारे विकास खंड में टोटल 902 का टारगेट है पिछले वर्ष का, जिसके सापेक्ष हमने 100 लोगों को आज चाबी वितरण किया। साथ ही में हमने एक ताला और चाबी का सेट भी प्रत्येक लाभार्थी को वितरित किया। मैम, चाबी आवास की चाबी पाकर लाभार्थी किस कैसे नजर आए? इसके बाद वो अत्यंत प्रसन्न थे और साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन उन्होंने सुना, जिसमें उन्होंने लाइव संपर्क भी किया लोगों से, लाभार्थियों से, तो उसे देख के लाभार्थियों को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि माननीय योगी जी किस प्रकार से जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के किस प्रकार से इतने मन से मनोयोग से काम कर रहे हैं। मैम, सरकार की ऐसी प्राथमिकता से प्राथमिकता को आप क्या कहना चाहती हैं कि सरकार की इतनी अच्छी प्राथमिकता है? अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि 2022 तक सबको आवास देना सुनने में शुरू में काफ़ी चैलेंजिंग लगता था कि ये कैसी बात है, सबको आवास कैसे दिया सकता है, पर वास्तव में ऐसा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अनेकों अनेक आवास पूरे देश में बन रहे हैं, जिसमें हमारा विकास खंड का भी टारगेट काफ़ी अच्छा था और हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है।